हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह ने इल्जाम लगाया है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक सियासी कायद के बजाय एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह बात कर रहे हैं। कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इन इंतखाबात को संजीदगी से नहीं ले रही है और अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय सदर मजलिस एक कॉमेडियन की तरह बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात तो वो कर नहीं सके क्योंकि उनके पास कोई मैनिफेस्टो है नहीं और उनका कोई डेवलपमेंट है नहीं, सिर्फ लोगों की टांग खींचना, काम करने वालों को बदनाम करना, उनका नाम रखना वो उनका पेशा बन चुका है। तो लिहाजा मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 तारीख के दिन कांग्रेस के चारमीनार के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ साहब को आपका वोट दीजिए और चारमीनार से उनको कामयाब कीजिए। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है आपकी ताउन से तो आप लोगों के फायदे मैं एक सरसरी अंदाज में बताना चाहूंगा जो यहाँ पे हमारे बैठी माँ बहनों के लिए है। आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा। आज गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि हर घर के अंदर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। यही गैस आपको 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा इंशाल्लाह। हर हमारी माँ बहन जिसके पास व्हाइट राशन कार्ड है कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो आपको 2500 रुपए हर महीना बिला नागा एक पेंशन की तरह हर बार व्हाइट राशन कार्ड के घर वाली औरत को मिलेगा इंशाल्लाह। आज टीआरएस की हुकूमत पे एक जईफ माँ या जईफ आदमी भाई को जो है 2000 रुपए पेंशन दिया जा रहा है जो घर में सिर्फ एक फर्द को मिल सकता। अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो यही पेंशन 2000 से 4000 कर दिया जाएगा। और अगर आपके घर में 2 जईफ है तो दोनों जईफ को 4000 पेंशन मिलेगा यानी कि 8000। अगर आपके घर में 3 जईफ है तो उनको वही पेंशन 4 4 4 करके 12000 पेंशन मिलेगा। तो भाई वक्त की बिल्कुल खिलत है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 30 तारीख के दिन मेरी माँ और बहनों घर में स्कूल छुट्टी का दिन मत समझो, घर के बाहर निकलो, फजर की नमाज पढ़ो, अपने शोहरों को बुलाओ और वोट देने के लिए बाहर निकलो। आपसे गुजारिश है कि मुजीबुल्लाह शरीफ साहब को